सेठ एम आर जयपुरिया स्कूल महमूदाबाद नर्सी से कक्षा 12 तक सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। सुनहरे एवं प्रतियोगी भविष्य की ओर बढ़ते कदम, सपनों को साकार करने का संकल्प। 31 जुलाई 2023 तक एडमिशन शुल्क पूर्णतया माफ। नमस्कार, मैं हूं बबीता सिंह और दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव द्वारा भाजपा पर किए गए हमले की। गुजरात के पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल को यूपी का भाजपा प्रभारी बनाए जाने को लेकर हो रही चर्चाओं की। और बात होगी भाजपा के फायर ब्रांड सांसद वरुण गांधी की पीलीभीत पर सीट पर शुरू हुई टिकट की जंग की। और खबरनामे के अंत में जानेंगे वह कौन है 138 कानून जिन्हें खत्म करने की तैयारी कर रही है योगी सरकार। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। योगी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा सपा के लोग हैं हमारे संपर्क में। सपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर ने शिवपाल यादव पर किया पलटवार। मध्य प्रदेश की सीधी घटना को लेकर मायावती ने शिवराज सरकार को घेरा। 23 साल बाद लखनऊ में खेला जाएगा डेविस कप, सीएम योगी निकालेंगे ड्रॉ। यूपी के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा बैठक में क्यों हुए आग बबूला, चर्चाओं का बाजार गर्म। एसडीएम ज्योति मौर्य के साथ उनके कथित प्रेमी होमगार्ड कमांडेंट की भी नौकरी खतरे में। सीतापुर पहुंचे मनरेगा उपायुक्त ने कसमंडा ब्लॉक में की बैठक। लखीमपुर में 6 जुलाई को लगेगा आधार कार्ड अपडेशन व नए आधार कार्ड बनाने का विशेष कैंप। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव के बाद अब दूसरे राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने भी भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। राम गोपाल यादव ने कहा कि महाराष्ट्र में जो हुआ उसका विपक्षी दल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। शरद पवार 2024 में मजबूती के साथ आएंगे, यूपी में सपा टूट सकती है। जैसी चर्चाओं पर राम गोपाल यादव ने कहा कि कुछ लोगों को अफवाह फैलाने की ट्रेनिंग दी जाती है, यूपी में सपा का कोई भी विधायक नहीं टूटेगा, बीजेपी को हराने के लिए जो करना पड़ेगा सपा करेगी। राम गोपाल यादव ने बसपा और मायावती पर हमला करते हुए कहा कि जो भी बीजेपी चाहेगी वही बसपा करेगी, हम लोग बहन जी के साथ कोई बात नहीं करेंगे। यूपी की योगी कैबिनेट में राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने सपा के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव पर आरोप लगाया है कि वह अपनी पार्टी को ढकने का काम कर रहे हैं। सपा के लोग हमारे संपर्क में हैं। राज्य मंत्री ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर के बीजेपी में आने से 2024 में फायदा होगा। वहीं राज्य मंत्री ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कहा कि देश हित में जो उचित होगा वही निर्णय करेंगे। यूपी में बीजेपी के प्रभारी को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो रहा है। जानकारी के मुताबिक गुजरात के पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल को यूपी का प्रभारी बनाया जा सकता है। नितिन पटेल से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी की मुलाकात हो चुकी है। अगर ऐसा होता है तो नितिन पटेल दूसरे गुजराती होंगे जो यूपी के भाजपा प्रभारी बनेंगे। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी यूपी के प्रभारी रह चुके हैं। भाजपा के कोर ग्रुप में नितिन पटेल का नाम सिफारिश के लिए है। वहीं प्रदेश प्रभारी की इस दौड़ में सीआर पाटिल का नाम भी दूसरे स्थान पर बताया जा रहा है। यूपी की पीलीभीत लोकसभा सीट पर भाजपा किसे अपना चेहरा बनाएगी, इसे लेकर राजनीतिक सरगर्मियां अचानक बढ़ गई हैं। हालांकि भाजपा के फायर ब्रांड नेता वरुण गांधी इस सीट से मौजूदा सांसद हैं, पार्टी उन्हें फिर से मैदान में उतारेगी या नहीं इसका फैसला अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन जानकारों की माने तो पार्टी लाइन से हटकर बयानबाजी करना वरुण गांधी और भाजपा के टिकट में दूरी पैदा कर सकता है। इसी बीच वरुण गांधी के धुर विरोधी राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार और हाल ही में सपा से भाजपा में शामिल हुए पूर्व मंत्री हेमराज वर्मा की भागदौड़ ने पीलीभीत के सियासी माहौल में हलचल पैदा कर दी है। बताते हैं सपा से लगातार 3 बार चुनाव हार चुके हेमराज वर्मा दिल्ली में डेरा डालकर भाजपा के बड़े नेताओं के संपर्क में बने हुए हैं। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव द्वारा सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और निषाद पार्टी अध्यक्ष संजय निषाद पर दिए गए बयान का जवाब सामने आया है। सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर ने ट्वीट किया कि चाचा शिवपाल की खुद ही सपा में कोई हैसियत नहीं रह गई है। राजभर ने तंज कसते हुए कहा कि शिवपाल इतने ताकतवर थे कि अपनी एक पार्टी बनाई उसे भी चला नहीं पाए, और जिस भतीजे ने अपमानित करते हुए धक्का मारकर भगाया था बाद में सपा के साथ चले गए। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 का
काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इसे लेकर विभिन्न दलों के नेताओं के बीच जुबानी जंग हर गुजरते दिन के साथ तेज होती जा रही है। पड़ोसी जिला लखीमपुर के मैगलगंज थाना क्षेत्र से लेकर महोली में पिछले काफी समय से चहलकदमी कर रहा बाघ अब रामकोट के लिलसी तक पहुंच गया है। इससे इन सभी इलाकों में दहशत बनी हुई है। वन विभाग मात्र कॉम्बिंग तक सीमित है। एक तरफ सीतापुर जिले के एक हिस्से में बाघ की दहशत बनी हुई है तो दूसरी तरफ गांजी इलाके के सकरन थाना क्षेत्र में तेंदुए ने दस्तक दे दी है। जाहिर है इस इलाके में भी दहशत का माहौल बन गया है। इन दोनों खबरों के विस्तार से जानने के लिए हमारे YouTube चैनल आई इंडिया पर जाकर पूरी खबर विस्तार से जरूर देखें। यूपी के सीनियर IAS प्रशांत त्रिवेदी के खिलाफ हाईकोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया है। यह वारंट न्यायालय की अवमानना के मामले में जारी किया गया है। हाईकोर्ट द्वारा नियत तिथि पर प्रशांत त्रिवेदी पेश नहीं हुए थे। कोर्ट का आदेश जारी होने के बाद भी उसका अनुपालन करने में विफल रहे थे। इसे लेकर यह वारंट जारी किया गया है। अब उन्हें 14 जुलाई को हाईकोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है। यूपी में 2 IAS अधिकारियों को अतिरिक्त पदभार दिया गया। इस कड़ी में प्रमुख सचिव परिवहन वेंकटेश्वर लू को यूपी रोडवेज के चेयरमैन का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वह प्रमुख सचिव परिवहन भी बने रहेंगे। इसी तरह से राहत आयुक्त GS नवीन कुमार को चकबंदी आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। GS नवीन कुमार राहत आयुक्त भी बने रहेंगे। अब बात करते हैं डॉक्टरों की उस गलती की जिसकी वजह से 1-2 साल के मासूम बच्चे का हाथ काटने की नौबत आ गई। यह मामला रायबरेली शहर के सत्यम हॉस्पिटल का है। यहां पर मासूम बच्चे को इलाज के लिए भर्ती किया गया था। चिकित्सा स्टाफ ने दवाएं चढ़ाने लिए बीगो लगा दिया जिससे बच्चे के शरीर में इन्फेक्शन फैल गया जिसके बाद उसका हाथ काटने की नौबत तक आ गई। जानकारी मिलने पर DM माला श्रीवास्तव ने जांच के आदेश देते हुए बच्चे को एम्स में भर्ती करा दिया है। सिटी मजिस्ट्रेट ने सत्यम हॉस्पिटल पहुंचकर वहां के सभी दस्तावेजों को सील कर दिया है। अब बार टेनिस खेल के शौकीनों के लिए आए खुशखबरी की। बता दें इस बार यूपी की राजधानी लखनऊ में डेविस कप खेला जाएगा। यह आयोजन 15 सितंबर से शुरू होगा। डेविस कप का ड्रा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जारी करेंगे। भारत और मोरक्को के बीच 16-17 सितंबर को मुकाबला होगा। राजधानी में 23 वर्ष बाद यह मैच खेला जाएगा। इस मैच को लेकर बिजयंत खंड कोर्ट में तैयारियां की जा रही हैं। प्रतियोगिता शुरू होने से एक सप्ताह पहले भारतीय पुरुष टीम लखनऊ पहुंच जाएगी, साथ ही महिला टीम भी लखनऊ में ट्रेनिंग करेगी। यूपी सरकार ने तैनाती की नियमावली में संशोधन कर दिया है। इसके अनुसार IAS अफसर भी महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा बन सकते हैं। IAS किंजल सिंह को इस पद से हटाने की मांग हो रही थी। इसके बाद सरकार ने कदम उठाते हुए 28 जून 2023 को नियमावली में संशोधन कर दिया है। सीतापुर से सटे लखनऊ बक्सी तालाब स्थित SR ग्रुप और इंस्टीट्यूट में छात्रों के लिए कैंपस रिक्रूटमेंट ड्राइव का आयोजन किया गया। इसमें कई नामी कंपनियां सहित 200 छात्रों ने प्रतिभाग किया। चयन प्रक्रिया के बाद इनमें से 78 छात्रों को 14,500 रुपए के वेतनमान पर चयनित कर लिया गया है। इन्हें इंजीनियर ट्रेनी के पद पर नियुक्त किया गया है। इन सभी की ज्वाइनिंग 10 जुलाई को तय की गई है। चयन प्रक्रिया के बाद संस्थान चेयरमैन और भाजपा के सीतापुर MLC पवन सिंह चौहान सभी चयनित छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए सम्मानित किया। SDM ज्योति मौर्य उनके पति आलोक मौर्य का विवाद इन दिनों सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। SDM ज्योति मौर्य के साथ अब उनके तथा कथित प्रेमी होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे की भी नौकरी पर खतरे की तलवार लटकती नजर आ रही है। दरअसल SDM ज्योति मौर्य पर उनके पति आलोक मौर्य द्वारा आरोप लगाए जाने के बाद मामला CM योगी आदित्यनाथ के दरबार में पहुंचा था। इसके बाद होमगार्ड मुख्यालय ने प्रयागराज में तैनात DIG को उसकी जांच का आदेश दिया था। जांच रिपोर्ट इसी हफ्ते आनी थी लेकिन मनीष दुबे सहित कई अन्य जिला कमांडेंट का तबादला होने के चलते अब यह रिपोर्ट अगले सप्ताह आएगी। वर्तमान में मनीष दुबे गाजियाबाद के होमगार्ड कमांडेंट पद पर तैनात हैं। गाजीपुर जिले के सहजानंद महाविद्यालय में LLB की परीक्षा में 3 मुन्ना भाई को आंतरिक उड़ाका दल ने दूसरे की जगह परीक्षा दे रहे 3 मुन्ना भाई को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। महाविद्यालय में LLB के चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा चल रही है। इस दौरान आंतरिक उड़ाका दस्ते ने संदेह के आधार पर 3 छात्रों से गहन पूछताछ की तो मामला पकड़ में आ गया। संत लखनदास महाविद्यालय मरदहा के यह 3 छात्र दूसरे परीक्षार्थियों के स्थान पर परीक्षा दे रहे थे। अब खबरें जनपद सीतापुर से। सीतापुर के ब्लॉक कसमंडा पहुंचे मनरेगा उपायुक्त ब्रजमोहन अबेंद ने ब्लॉक के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक की। इस दौरान कई विकास कार्यों की समीक्षा की गई। इस मौके पर BDO कसमंडा राजेश कुमार तिवारी, APO मनरेगा चंद्रप्रकाश सचिव
दिनेश शर्मा, अभय प्रताप, दीपक, प्रदीप चौधरी, टेक्निकल इंजीनियर के तिवारी, विक्रम श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। विकासखंड एलिया में खंड शिक्षा अधिकारी रविकांत मौर्य ने कई स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। बीईओ सबसे पहले करीब 9 बजे प्राथमिक विद्यालय मलिकापुर पहुंचे। यहां पर पंजीकृत 140 बच्चों के सापेक्ष 51 बच्चे उपस्थित मिले। वहीं पूरा शिक्षक स्टाफ मौजूद रहा। इसके बाद बीईओ ने प्राथमिक विद्यालय सिमरहन व उच्च प्राथमिक विद्यालय सिमरहन का भी निरीक्षण किया। वहां भी सब ठीक मिला। उसके बाद उच्च प्राथमिक विद्यालय कचनार व कस्तूरबा बालिका विद्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे तो रास्ते में जल भराव को देखकर तुरंत उसकी जल निकासी की व्यवस्था कराई। विकासखंड बेहटा में भारत सरकार की महत्वाकांक्षा योजना जल जीवन मिशन हर घर जल के अंतर्गत कार्यदायी संस्था शिक्षा भारती लखनऊ द्वारा पंचायत प्रतिनिधियों, सरकारी व गैर सरकारी कर्मचारियों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण कराया जा रहा है। इसमें गांव के संभ्रांत व्यक्ति, क्षेत्र पंचायत सदस्यों, प्रधानों का प्रशिक्षण कराया गया। इस दौरान उन्हें जल की गुणवत्ता, पानी की टंकी, क्रियान्वयन, जल संरक्षण, जन समुदाय का सहभागिता एवं जमीनी ढांचे को मजबूत बनाने से जुड़ी जानकारी दी गई। इस मौके पर जिला कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सुनील कुमार वर्मा, राज्य प्रशिक्षक सतीश कुमार वाजपेयी, निर्मल कुमार शुक्ला, अनुराग वाजपेयी, रजनीश यादव, ट्रेनर चांदनी सबाना खातून आदि मौजूद रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहे आई इंडिया। स्टडीवेल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस सीतापुर, स्टडीवेल पब्लिक स्कूल विजय लक्ष्मी नगर, स्टडीवेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल लखीमपुर रोड सीतापुर, एफिलिएटेड टू सीबीएसई बोर्ड न्यू दिल्ली, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, एनसीसी फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, ब्लेस्ड बाय हॉनरी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ यूपी, स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स, स्कूल सिनेमा, अल्ट्रा मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट, डिजिटल क्लासरूम्स। स्टडीवेल ग्रुप प्रेजेंट्स आईटीआई एंड फार्मेसी कॉलेज। अग्रवाल पब्लिक इंटर कॉलेज विजय लक्ष्मी नगर सीतापुर क्रिएट्स हिस्ट्री अगेन। आवर इंटरमीडिएट टॉपर वेंकटेश मौर्य गॉट फर्स्ट रैंक इन सिटी एंड 9th रैंक इन डिस्ट्रिक्ट। आवर हाई स्कूल टॉपर इजरा आजमी गॉट 3rd रैंक इन सिटी। Our 3 students, Ankit Kumar Vishwakarma, Himanshu Mishra and Vikas Anand Gautam got selected in Central Government job. Admission open for session 2023-2024. Our other institution is Shivam Agarwal Memorial Degree College, BA, BCom, DLED, CCC and O-Level. So, hurry up. मछरेटा स्थित स्थानीय बंसीधरी यूवन पब्लिक इंटर कॉलेज में सीतापुर वन विभाग द्वारा वन महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन कॉलेज के प्रबंधक हरीश शुक्ला ने किया। इस अवसर पर सीतापुर के डीएफओ ब्रजमोहन शुक्ला ने धार्मिक ग्रंथों से उदाहरण देते हुए वृक्षारोपण के महत्व को रेखांकित किया। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अजय भार्गव ने उपस्थित छात्रों और जन समुदाय से अपील की कि पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए वृक्षारोपण अवश्य करें। इस अवसर पर कॉलेज के छात्रों ने जन जागरूकता रैली निकाली। समारोह में क्षेत्रीय वन अधिकारी दिनेश गुप्ता, उप प्रभागीय वन अधिकारी आरएन गुप्ता, उप क्षेत्रीय वन अधिकारी समर सिंह, सुनील कुमार, खंड विकास अधिकारी अरुण कुमार वर्मा, मछरेटा थाने का स्टाफ और सैकड़ों बच्चे मौजूद रहे। मिश्रिक ब्लॉक की ग्राम सभा टेड़ुआ में गंदगी की भरमार बीमारियों को दावत दे रही है। इसके बाद भी जिम्मेदार जाग नहीं रहे हैं। यहाँ पर 4 सफाई कर्मियों को नियुक्त होना बताया जाता है, लेकिन सफाई कर्मी एक भी नहीं आता है। ग्रामीणों के आरोप है कि प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी पैरोल पर सिग्नेचर करने के नाम पर सफाई कर्मियों से पैसा लेते हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो सफाई कर्मियों से कार्य क्यों नहीं करवाते हैं। अब इसे लेकर व्हाट्सएप के माध्यम से जिलाधिकारी और एसडीएम मिश्री को ज्ञापन दिया गया है। सहयोगी छात्र शिक्षा समिति के संरक्षक मनोज पासवान, सचिव धर्मेंद्र कुमार और सदस्य मंजीत यादव द्वारा विद्यालयों में बच्चों की स्टेशनरी का वितरण किया गया। यह टीम महमूदाबाद और सिधौली क्षेत्र के ग्रामीण इलाके में स्थित वाजिद नगर, हडार मऊ, श्यामपुर, मोहब्बतपुर, दिल्ली, आगरा आदि विद्यालयों में पहुंची। लहरपुर ब्लॉक के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय इरापुर में विद्यालय प्रबंधन समिति एवं अभिभावक संघ की बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता समिति अध्यक्ष हरपाल ने की। एआरपी सुरेश कुमार नोडल अधिकारी के रूप में मौजूद रहे। विद्यालय के प्रधान अध्यापक अनवर अली द्वारा बैठक का संचालन किया गया। एआरपी सुरेश कुमार ने अभिभावकों को संबोधित किया। विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरपाल ने कहा कि विद्यालय को हरा भरा और सुंदर बनाने में सभी लोग सहयोग करें। एएनएम अर्चना ने संचारी रोगों से बचाव के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर शिक्षक सरोज वर्मा, अभिभावक लल्ली देवी, मीरा देवी, रामलोटन, अखिलेश कुमार, भोली, गुलाबी आदि मौजूद रहे।
विगत वर्षों की बात, इस वर्ष भी कसमंडा के मोहली स्थित प्राचीन मां महोठे रानी मंदिर पर क्षेत्र के सैकड़ों कांवरियों ने एकत्र होकर पूर्व प्रधान ब्रजपाल सिंह के नेतृत्व में कांवर यात्रा निकाली। कांवर यात्रा का शुभारंभ कुंवर दिनकर प्रताप सिंह द्वारा, जय प्रकाश सिंह चौहान तथा निर्धन सेवा समिति के प्रबंधक अभिषेक ठाकुर ने किया। कांवर यात्रा महोठे रानी मंदिर से प्रारंभ होकर कस्बा कमलापुर में पहुंची, जहां एसडीएम सिधौली राखी वर्मा, सीओ सिधौली शोभित कुमार, एसओ कमलापुर सतीश चंद, उपनिरीक्षक सुरेंद्र बहादुर सिंह, आरके सिंह, एडीओ पंचायत दिनेश कुमार यादव, सचिव सर्वेश कुमार ने कांवरियों को फूल माला पहनाकर पुष्प वर्षा करके स्वागत किया। इसके बाद कांवरियों का काफिला हरदोई के गंगा तट स्थित राजघाट के लिए रवाना हो गया। यह लोग सोमवार को गंगा जल की कांवर से पतारा खुर्द स्थित प्राचीन नागेश्वर नाथ का अभिषेक करेंगे। इस मौके पर कांवर यात्रा के कोषाध्यक्ष जयप्रकाश पांडे, अध्यक्ष सुनीत पांडे, बिमल सिंह, ललित तिवारी, सुशील त्रिवेदी, शिव कुमार सिंह, प्रशासनिक अंबुज सिंह, भदौरिया विनय अवस्थी सहित तमाम कांवरिया मौजूद रहे। विकास क्षेत्र सकरन की ग्राम पंचायत मड़ोर के मजरा गोड़ियन पुरवा में इंटरलॉकिंग लगाने उखाड़ने का खेल किया जा रहा है। गोड़ियन पुरवा चौराहे से पुराने पुरवा मार्ग पर 200 मीटर इंटरलॉकिंग का निर्माण कार्य पिछले वर्ष क्षेत्र पंचायत से कराया गया था। 10 लाख की लागत से लगाई गई इंटरलॉकिंग ठेकेदारों को हजम नहीं हो रही है, जिसके चलते एक वर्ष पूर्व में लगाई गई इंटरलॉकिंग उन्हीं ठेकेदारों के द्वारा उखाड़ी जा रही है, ताकि भविष्य में उस पर कार्य योजना बनाकर पुनः इंटरलॉकिंग लगाते हुए धन उगाही की जा सके। इस संबंध में वीडियो सकरन विवेक मठ त्रिपाठी से बात करने का प्रयास किया गया, परंतु फोन ना लग पाने के कारण उनसे बात नहीं की जा सकी। सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा बीएसए का स्वागत और अभिनंदन किया गया। इस दौरान जिलाध्यक्ष रविंद्र दीक्षित, नवीन श्रीवास्तव, रत्नेश मिश्रा, विवेक पंडित, पवन सिंह वाइस, शिव सागर वर्मा, देवेंद्र सिंह, विनय गिहार, वंदना दीक्षित और दिनेश मिश्र सहित तमाम शिक्षक मौजूद रहे। सीओ सिधौली शोभित कुमार के नेतृत्व में कमलापुर थाना पुलिस ने कस्बे के विभिन्न मार्गों पर फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान सीओ ने कई व्यापारियों से पुलिस की कार्यशैली का फीडबैक लिया। फ्लैग मार्च में एसओ कमलापुर सतीश चंद, उपनिरीक्षक सुरेंद्र बहादुर सिंह, आरके सिंह, अतुल शुक्ला, आरक्षी विवेकानंद मिश्रा, देवेश कुमार यादव, अजय कुमार आदि मौजूद रहे। सीतापुर के कमलापुर से प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 80 श्रद्धालुओं का जत्था अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुआ। यह श्रद्धालु 5 जुलाई को बालटाल से यात्रा में शामिल होकर बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। जत्थे के रवाना होने से पहले डॉक्टर सुशांत विश्वास, अनुज त्रिपाठी, आयुष तिवारी, अनुज पांडे, शिवशंकर रहा, शेखर शर्मा, बैकुंठ मंडल और मानिक घोष आदि श्रद्धालुओं ने कस्बा स्थित प्राचीन शिव मंदिर में पूजा अर्चना कर शिव घोष के साथ यात्रा के लिए प्रस्थान किया। सीतापुर में पराविधिक स्वयं सेवकों के लिए यह खबर जानकारी देने वाली है कि पीएलवी के लिए आवेदन कर चुके स्वयं सेवकों के साक्षात्कार की तारीखें तय हो गई हैं। जनपद न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष के निर्देशानुसार अपर जिला जज और सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अभिषेक उपाध्याय ने इस संबंध में सूचना जारी कर दी है। इसके अनुसार 7 जुलाई को मोहली व मिश्रिक तहसील के आवेदकों का साक्षात्कार लिया जाएगा, 10 जुलाई को बिसुआ और सिधौली तहसील का और 11 जुलाई को तहसील महमूदाबाद तथा लहरपुर और 12, 13 तथा 14 जुलाई को दोपहर 3 बजे से जनपद स्तर में प्राप्त आवेदकों का साक्षात्कार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में कमेटी द्वारा किया जाएगा। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। अब बात करते हैं एक ऐसे वायरल वीडियो का जिसने गए थे भारी भजन को ओटन लगे कपास जैसी बेहद पुरानी कहावत को सच साबित कर दिया है। बात लखीमपुर के दुधवा नेशनल पार्क स्थित गौरी फंटा मार्ग की है। यहाँ कुछ लोग जंगली हाथियों के साथ मस्ती करते हुए सेल्फी ले रहे थे, तभी अचानक हाथी ने उन्हें दौड़ा लिया। बस फिर क्या था, गिरते पड़ते भागते ही बन पड़ा। लखीमपुर के निघासन ब्लॉक स्थित सविलियन विद्यालय लुधौरी में शिक्षक अभिभावक संघ की बैठक आयोजित की गई। बैठक को प्रधानाध्यापक हरिनाम प्रसाद ने संबोधित करते हुए बेसिक विद्यालयों के लिए सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में बताया। इस अवसर पर सहायक अध्यापक विकास भारती, अरुण गुप्ता, महेलिका रानी यादव, शिक्षा मित्र प्रमिला गौतम, संजीव श्रीवास्तव, अनुदेशिका सीमा यादव तथा अभिभावक संघ की ओर से उमेश कुमार, कमलेश यादव, राम खिलावन यादव, मुस्तकीम खेल कुमार, रेशमा, सेरा, लल्ली देवी, नूरजहां, सायरा बानो, पिंकी, पुष्पा और सावित्री आदि उपस्थित रहे। लखीमपुर पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से पिछड़ा वर्ग के बेरोजगार युवक युवतियों के लिए संचालित ओ लेवल एवं सीसी कंप्यूटर प्रशिक्षण शीघ्र संचालित होगा। इसकी जानकारी जिला से पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी अभय कुमार सागर ने दी।
उन्होंने बताया कि इसके लिए इच्छुक अभ्यर्थी 22 जून से 7 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी लखीमपुर के जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। लखीमपुर में 6 जुलाई से आधार कार्ड अपडेशन व नए आधार कार्ड बनवाने के लिए विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है। यह कैंप विकास भवन परिसर में संचालित किया जाएगा। इस बात की जानकारी जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी एकता श्रीवास्तव ने दी। उन्होंने बताया कि विकास भवन में गुरुवार से शुरू होने वाले विशेष कैंप में आधार से संबंधित सभी सेवा जैसे मोबाइल नंबर, नाम, ईमेल, लिंक, जन्मतिथि, पते का अपडेशन, बायोमेट्रिक अपडेशन, बच्चे के नए आधार आदि की सेवा प्रदान की जाएगी। लखीमपुर के मातृ एवं शिशु अस्पताल में जनरल सर्जन के पद पर डॉक्टर अनिल कुमार शुक्ला ने कार्यभार संभाल लिया है। डॉक्टर शुक्ला को लखनऊ से लखीमपुर भेजा गया है। डॉक्टर शुक्ला ने पदभार संभालते हुए बताया कि उन्होंने केजीएमयू लखनऊ से 1989 में MBBS पूरा किया था और वह अयोध्या, बाराबंकी, लखनऊ, सिद्धार्थनगर, बाराबंकी, कासगंज और उसके बाद लखनऊ में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, जहां से वह शासन के निर्देश पर लखीमपुर खीरी मातृ एवं शिशु अस्पताल में बतौर जनरल सर्जन तैनात किए गए हैं। उनकी ज्वाइनिंग पर MCH विंग अधीक्षक डॉक्टर AC श्रीवास्तव, जिला पुरुष चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर IK रामचंदानी सहित वरिष्ठ परामर्शदाता डॉक्टर RS मधौरिया, डॉक्टर SK मिश्रा, डॉक्टर RK कोहली सहित अन्य चिकित्सकों और स्टाफ ने उन्हें शुभकामनाएं दी। आमतौर पर बेहद शांत दिखने वाले योगी सरकार के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा विभागीय मीटिंग में अपने अफसरों पर जिस अंदाज में भड़के हैं उसे लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। चर्चा तो यहां तक शुरू हो गई है कि क्या AK शर्मा से ऊर्जा विभाग संभल नहीं रहा है, जिसे लेकर CM योगी आदित्यनाथ उनसे नाखुश हैं। एक चर्चा यह भी है कि योगी मंत्रिमंडल के संभावित फेरबदल में AK शर्मा मंत्री परिषद से बाहर हो सकते हैं। कारण जो भी हो, लेकिन बुधवार को विभागीय मीटिंग में AK शर्मा ने अपने अफसरों पर जिन शब्दों का इस्तेमाल किया था उनकी छवि के अनुरूप कतई नहीं कह जा सकते। ऊर्जा मंत्री ने विभागीय अफसरों को कार्यशैली में बदलाव की नसीहत देने के साथ कम राजस्व वसूली पर भी नाराजगी जताई थी। बिजली चोरी पर भी ऊर्जा मंत्री सख्त दिखे। इन सभी बातों को लेकर ऊर्जा मंत्री ने अपने अफसरों पर एकदम बरसने जैसे अंदाज में कहा कि विभाग में कोई भी काम जिम्मेदारी से नहीं हो रहा है। लगता है कि बिना माँ बाप के चल रहा है बिजली विभाग के अफसर धृतराष्ट्र बने हुए हैं। बिजली विभाग में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। मैं बिजली विभाग में सबकी जिम्मेदारी तय करूंगा और शासन स्तर से कार्रवाई करूंगा। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक आदिवासी दलित युवक के साथ एक तथाकथित भाजपा नेता द्वारा किए गए शर्मनाक कृत्य को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने मध्य प्रदेश की शिवराज चौहान सरकार को घेरा है। मायावती ने ट्वीट के जरिए घटना को तो अति शर्मनाक और अमानवीय कृत्य बताते हुए निंदा की है। साथ ही कहा कि इसका वीडियो वायरल होने के बाद ही सरकार का जागना इनकी संलिप्तता को साबित करता है, यह भी अति दुखद है। इसी पर अपने दूसरे ट्वीट में मायावती ने लिखा कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा इस संबंध में मुजरिम को बचाने और उसे अपनी पार्टी का ना बताने आदि को त्याग कर उस अपराधी के खिलाफ केवल एनसे न लगा के बल्कि उसकी संपत्ति को जब्त ध्वस्त करने की कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसी घटनाएं सभी को शर्मसार करती हैं। अब बात करते हैं ऐसे वाहन स्वामियों की जिनके वाहनों के परमिट 4 वर्ष या उससे पहले समाप्त हो चुके हैं। सीतापुर की ARTO प्रशासन माला वाजपेयी ने सूचना जारी की है कि विभाग ऐसे लोगों को एक अंतिम अवसर दे रहा है। उन्होंने बताया कि ऐसे वाहन स्वामियों को 5 माह की मोहलत दी गई थी, जिसका समय पूरा हो चुका है। अगले 21 तारीख को संभागीय परिवहन प्राधिकरण लखनऊ की बैठक में ऐसे वाहनों पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इस बैठक में संबंधित वाहन स्वामियों को बुलाया गया है। ARTO ने बताया कि समाप्त हो चुके परमिटों के नवीनीकरण अथवा नए वाहन पर प्रस्थांकित करने की कार्रवाई की जाएगी। खबरनामे के अंत में जानेंगे यूपी की योगी सरकार अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे 138 कानूनों को समाप्त करने की तैयारी में है। यह 138 कानून सरकार के 40 विभागों में आजादी के पहले से चल रहे हैं। इन सभी का मौजूदा दौर में कोई औचित्य नहीं है। राज्य का विधायी आयोग इस मामले में राज्य विधि आयोग से राय ले रहा है। इसके बाद संबंधित विभागों से इन कानूनों पर सुझाव मांगे जाएंगे। विभाग अगर इन कानूनों को जिंदा रखना चाहता है तो इसका ठोस आधार देना होगा और यदि समाप्त करना चाहता है तो अपनी सहमत आयोग को देनी होगी। अगर कोई विभाग का कोई राय नहीं देता है तो उसे सहमति माना जाएगा। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे और वर्तमान में अप्रासंगिक हो चुके सैकड़ों कानूनों को खत्म करने पर काम कर रही है। केंद्र सरकार की ओर से इस संबंध में राज्य के विधायी विभाग को पत्र लिखकर राय मांगी गई है। इसके बाद यूपी में यह प्रक्रिया शुरू हुई है। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
जीएस सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंदी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। डी फार्म, बी फार्म, पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन।